जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों के लिए चाहे वो किसी भी रैंक के हों, पोस्ट रिटायरमेंट, उनके लिए जॉब्स ही जॉब। अब गार्ड्स की नौकरी नहीं, यानी कि हम चाहते हैं कि जवान गार्ड्स की नौकरी ना करें। वो जितने रेस्पेक्टफुल डिपार्टमेंट से सर्विस करके आए हैं, जितना उन्होंने अपनी मेहनत से रेस्पेक्टफुल जॉब किया है, उसके हिसाब से उनकी कदर की जाए, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके तजुर्बे के हिसाब से, उनके हुनर के हिसाब से उनको जॉब दिया जाए। इस संदर्भ में मैं आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो देखिए दोस्तों, हमने एक साल पहले एक सर्वे कराया था जवानों का अपने YouTube चैनल के माध्यम से। उस सर्वे में हमने पूछा था पेंशनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। उसमें आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला था अपने अधिकारों की जानकारी, तो ये 14% लोगों ने इस पे अपना मत दिया। दूसरा था जॉब्स कहाँ करें, इसमें दोस्तों 58% लोगों ने इसको वोट किया। फैमिली की सुविधा, इसके संदर्भ में 8% लोगों का मत आया। और पेंशन की जानकारी, इस संदर्भ में 20% लोगों ने मत दिया। और दोस्तों, इस सर्वे में जो लोगों ने हिस्सा लिया वो थे 41,000 वोट्स। अब इनमें से मोर देन 50% लोगों ने जॉब्स के ऊपर बात कही। तो दोस्तों, तब से लेकर अब तक हम इस संदर्भ में बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे किस तरीके से आपकी इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। तो इसके लिए सैनिक वेलफेयर कंसल्टेंसी के माध्यम से हम आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आए हैं दोस्तों। और वो ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को, हम एक गूगल फॉर्म आपको देंगे, उसमें रजिस्टर्ड करें। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ वो लोग रजिस्टर्ड करें उसमें जिनको गार्ड्स की नौकरी नहीं करनी है, जो प्रोफेशनल नौकरी करना चाहते हैं। उसमें दोस्तों, हो सकता है कहीं किसी की सैलरी कम हो या किसी की सैलरी ज़्यादा हो, वो नेचर ऑफ जॉब्स के हिसाब से होगी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी करना चाहते हैं, वो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना करें। और बाकी जो जॉब करना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। आपके रजिस्ट्रेशन का कोई फी नहीं है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा कि 100% आपको जॉब मिलेगा, लेकिन एक कोशिश है मेरी कि मैं आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपके हुनर, आपके तजुर्बे के हिसाब से विभिन्न विभिन्न अलग अलग कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ आपको जॉब मिल सकता है, कौन सा जॉब आपके लिए सुइटेबल हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए हमारी टीम ने मोर देन 100 कंपनीज के साथ विचार विमर्श किया है, उनके साथ कॉन्टैक्ट किया है और उनके नेचर ऑफ वर्क को समझा है कि वहाँ किस किस तरह का काम है, कौन जवान किस काम के लिए फिट हो सकता है, उस तरीके से हम आपको वो सुविधा देंगे। जब तक आपको ये सुविधा मिलती है, लेकिन दोस्तों, आप इसके इंतज़ार में, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, लगने वाला है, आपका प्रोसेस चल रहा है, तो उसे बंद ना करें, उसे करते रहें। क्यों, ये कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं है कि आप एक को स्विच करके दूसरे में नहीं जा सकते। सिविल में आज ये ऑप्शन है, जब तक आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिलता, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां करते रहें। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, तो आप तुरंत उधर से उधर को स्विच कर जाएं। इसके लिए आप तैयार रहें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो गूगल फॉर्म है, इसका लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये गूगल फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको इसमें अपनी डिटेल भरनी है। जैसे आप देखेंगे, पहले आपके सामने है पूरा नाम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, फिलअप कर दें कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पर। अब ये आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसके बाद आपके सामने जेंडर है, आप यहाँ पर जेंडर चूज कीजिए।
और देखिए आगे आपकी ईमेल आईडी है, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए जो आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फीड कर दीजिए जो आपका मोबाइल नंबर है। जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 8077969277, ये मोबाइल नंबर फीड किया। इसके बाद आपका स्टेट आएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपना यहाँ पर स्टेट डाल दीजिए। इसमें सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी सब उपलब्ध है। उसके बाद मेन सिटी, आपकी कौन सी मेन सिटी है, आप अपना उसमें वो शहर डाल दीजिए दोस्तों। इसके बाद आपके सामने आ गया करंटली वर्किंग, क्या आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो, आप उस पर चूज कर दीजिए। और उसके बाद आपकी टोटल सर्विस कितनी हुई है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करें कि आप कितनी सर्विस किए हैं टोटल, और आपने जो सर्विस की है वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या अदर्स। अदर्स में जैसे आपने ग्रीफ में सर्विस की हो, कोस्ट गार्ड में सर्विस की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस की है, या आपने एनडीआरएफ में की है, जिसमें भी आपने सर्विस की है वो चूज कीजिए और उसके बाद सीधे नेक्स्ट पे जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जिस डिपार्टमेंट में जॉब किया है उसमें आपका स्टेटस क्या था, आपकी रैंक क्या थी, आपका पद क्या था, वो पूछा गया। यहाँ मेरे लिए लिख कर आया है आर्मी, क्योंकि मैं आर्मी में जॉब किया था इसलिए वहाँ पर मेरे लिए आया। अब यहाँ पर आप चूज कीजिए कि आपका यहाँ पर रैंक क्या था उस समय, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना रैंक भरें। अब देखिए आगे चलिए फिर नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए जिसमें आपने जॉब किया था वहाँ आपका स्पेशली आपका क्या ट्रेड था, आप किस प्रोफेशन में थे, तो यहाँ पर आप चूज कीजिए। यहाँ ये सारे ट्रेड हैं, आप इनमें देख रहे हैं क्या आपका ट्रेड था। इससे अलग हर सर्विस के अपने अलग अलग ट्रेड हैं, वो भी ऑप्शन है, आप वो भी उसमें लिख सकते हो, वो फिलअप कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, ये ऑप्शन पूछा गया है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें फिलअप कीजिए। वैसे मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि डिफेंस पर्सनल सेना की तरफ से जब 15 ईयर्स और उससे ज़्यादा पेंशनेबल सर्विस करके आता है तो उसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो लेकिन आप ग्रेजुएशन भी चूज कर सकते हैं या और भी कुछ है तो वो अदर्स में डाल सकते हैं। इससे अलग आपने कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स किया है जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं, जहां आपकी ज़्यादा अच्छा हुनर है, आपकी ज़्यादा काबिलियत है, क्योंकि ये उस समय काम आएंगे जब आपको जॉब सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, स्पेसिफिक उस समय काम आएंगे। तो अब आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद हैवी वर्क इन द सिविल सेक्टर, क्या आपने सिविल सेक्टर में कोई काम किया है, अगर किया है तो यस और नहीं किया है तो नो। तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया नो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके सामने आ गया कि आपकी बेसिक स्किल क्या है, बुनियादी ज्ञान क्या है आपका, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है। और इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपने जैसे कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर में अगर आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब में काम किए हो तो आप इनको चूज कर सकते हो। और इसके बाद कुछ अदर्स क्वालिफिकेशन भी है आपकी, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, रेट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ आके हमारे जवान थोड़ा सा मार खा जाते हैं। आप यहाँ पर ऐसा ना समझें कि अंग्रेजी कोई बड़ी चीज़ है, आप अपने आप में पढ़ना जानते हैं, सामने वाला बोल रहा है तो अंडरस्टैंडिंग करना जानते हैं। आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आपका एनवायरमेंट नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ अपने आप को अंडरस्टिमेट ना करें, आप लिखें, क्योंकि यहीं पर हमारा जवान मार खाता है। और मार्केट क्या है, जो दिखता है वही बिकता है, आप जो हो वो दिखाओ, यहाँ पर हैं। तो जो भी आपका है एवरेज तो खैर सभी का है, और जो आप एक्सीलेंट है कुछ भी हैं तो ज़रूर मेंशन करें। अब देखिए दोस्तों आगे, सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आप कितनी सैलरी की अपेक्षा करते हो। यहाँ बिल्कुल कंजूसी ना करें, डरे नहीं, लिखें जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसकी सैलरी, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे आपसे भरपूर काम लिया जाएगा। आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं जा रहे हैं, ये याद रखें कि आप वहाँ पर खड़े रहेंगे, आपको वहाँ काम लिया जाएगा। तो उस काम के आपका काम है कि पैसा मांगना है आपने, अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी भरें। तो यहाँ आप अपना जो सैलरी आप चाहते हैं वो फिलअप करें।
लेकिन याद रखना जो आप सैलरी लिखते हैं यहाँ पर वो एनुअली होती है, वार्षिक होती है। आप लिखिए यहाँ पर 5 लाख चाहिए साल के, 10 लाख चाहिए साल के, 8 लाख चाहिए साल के, कितना सैलरी चाहिए उस हिसाब से लिखें, क्योंकि काम भी आपसे उसी हिसाब से लिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर दें, जो आपका बायोडाटा जो यहाँ तो भरा ही है, लेकिन आप एक रिज्यूमे बनता है। हमारे फौजी भाई रिज्यूमे ही नहीं दे पाते हैं ठीक से, यहीं पर मार खा जाते हैं, क्योंकि आपने अपना अच्छा सा एक रिज्यूमे बनाना है, इतना आपने कहाँ सर्विस किया, एक्सपीरियंस क्या है, और उसको PDF फॉर्म में लें और यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं, आप अपना कुछ एडिशनल कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, या किसी का और स्पेसिफिक आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें दोस्तों। इस तरीके से आपका गूगल फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस, आपकी काबिलियत, आपका हुनर और आपकी चॉइस, उसके हिसाब से जहां मौका मिलेगा, जहां पर डिमांड होगी, हम आपको वहां पर पुश करेंगे और वहां से आपके पास कॉल आएगा, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, पूछताछ करेंगे और अपनी ज़रूरतें अगर लगेंगी उनको कि आप उनकी ज़रूरतें फुलफिल करेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस जगह पर्टिकुलर जॉब के लिए। इस तरीके से आप एक नया अपने हुनर, एक्सपीरियंस और काबिलियत के हिसाब से जॉब पा सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए, इस काम के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं है, आपसे कोई पेमेंट नहीं होगा, कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म गलत भर गया, आप अगेन दोबारा उसको सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप गूगल पर जो आपका ये फॉर्म दिया है इसका लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके लिए फॉर्म खोल के आ जाएगा। आप अपने दूसरे साथियों से भी भरवा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने फॉर्म्स हमारे पास आएंगे उनकी लोकेशन के हिसाब से हम उनको ये अवसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें, ये उम्मीद करके ना बैठ जाएं कि आज मैंने फॉर्म भर दिया कि 10 दिन के बाद मेरे पास कोई कॉल आ जाएगा। दोस्तों आज की डेट में मेरे पास तेलंगाना के लिए एक कैप्टन साहब की रिक्वायरमेंट है। अगर तेलंगाना रीजन के लिए कोई वहाँ का लोकल कैप्टन साहब अवेलेबल है तो वो अपना गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दें, उनकी इस वक्त वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग जगहों से, जैसे आपका सिकंदराबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, पुणे हो गया, कई लोगों की डिमांड आई है। एक दो जगह हमने फिलअप भी किया है। अब जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा तो हम ये डेटा उनके पास पुशअप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोर देन 100 कंपनीज के साथ हमारी टीम ने बातचीत की है और उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्ट दिखाया है कि अगर उनको एक्सपीरियंस्ड और काबिल कैंडिडेट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिफेंस पर्सनल को हर लोग लेना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ लोग मिसयूज कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो एक इतना रेस्पेक्टफुल जॉब करके आए हैं, इतना उनको अनुभव है। एक जवान बोफोर्स गन को डिसमेंटल कर सकता है, उसके बाद असेंबल कर सकता है। एक जवान MRI मशीन को ऑपरेट कर सकता है, CT स्कैन कर सकता है। एक जवान हमारा बैंड का एक जवान कई कई देशों में जाके अपने प्रोग्राम दे सकता है। 135 करोड़ की आबादी से मात्र एक जवान, वो भी हमारी इंडियन आर्मी से गोल्ड मेडल ला सकता है। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं हमारे पास में, लेकिन उनका इस्तेमाल क्यों नहीं, उनके हुनर, काबिलियत और उनकी योग्यता अनुसार उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, ये बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन उनका यूटिलाइजेशन जो लोग कर रहे हैं वो मिसयूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी गार्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले। एक छोटी सी पहल है, देखते हैं कहाँ तक सफल होती है, कितना जॉब दिला पाते हैं, कहाँ तक हम जा पाते हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, आपका सहयोग रहा तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लोगों के साथ
दूसरे जवान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।